और सूरत की घटना के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस भी जाग चुकी है और पुलिस की तरफ से अब जांच की जा रही है। ये कोशिश की जा रही है कि कहीं पर भी इस तरह के इंतजाम अगर नहीं है फायर सेफ्टी के तो उनको कराया जाए और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, सख्ती बरती जा रही है। डीजीपी फायर ब्रिगेड की सुरक्षा के इंतजाम की समीक्षा कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में किसी तरह की कोई कमी ना हो उसको लेकर भी बात की जा रही है। सूरत में जो एक बड़ा हादसा हुआ था, तकरीबन 20 बच्चों की मौत हुई थी, सभी जिलों के CFO SSPs वगैरह से मीटिंग की जा रही है। सूरत जैसी घटनाओं पर किस तरह की तैयारियां हैं, DGP इसको लेकर समीक्षा करेंगे आज। सूरत की घटना के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस जागी है। लोकसभा की अगर बात की जाए, चुनाव के बाद से एकदम से एक घटना हुई थी। DGP फायर ब्रिगेड के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा कर रहे हैं और सभी जो SSPs हैं, DFO हैं, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की जा रही है, जानकारी ली जा रही है। CFO, SSP, IG रेंज और ADG जॉन इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग होगी। सूरत जैसी घटनाओं पर किस तरह की तैयारियां हैं, DGP इसको लेकर समीक्षा करेंगे।